बिहार में कैबिनेट विस्तार और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा को लेकर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली में। बीजेपी के दोनों नेता आज पीएम मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मांझी के एक और मंत्री पद की डिमांड पर भी चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले शनिवार को एनडीए सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग रखे तो बीजेपी के कोटे के दोनों डिप्टी सीएम को 9-9 मंत्रालय दिए गए। नीतीश कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी मांगे मोद। बिहार कैबिनेट विस्तार पर आज दिल्ली में मंथन। मोदी शाह लगाएंगे मंत्रियों की लिस्ट पर मुहर। महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थामने के बाद नीतीश कुमार सुकून में हैं। बिहार की सियासत में अब सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन नई कैबिनेट के फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया की डिमांड ने एक बार फिर बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले मांझी ने विपक्ष से मिले ऑफर का जिक्र करते हुए 2 मंत्री पद की डिमांड रख दी है। निर्दलीय 1 विधायक हैं, उनको आप 1 मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया, और हम 5 विधायक हैं, 4 MLA और 1 MLC, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। हम NDA के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, कोई भी कुछ कहेगा हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। वाले दिनों में ये सारी देखिए गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं, इसको सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करने से सिर्फ नुकसान होता है। मांझी की डिमांड और विपक्ष की ऑफर वाली पॉलिटिक्स के बीच बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम शनिवार शाम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जबरदस्त स्वागत हुआ। आज बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। इस दौरान बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, तो मांझी के ऑफर पर भी बात होने की संभावना है। बिहार के विकास के लिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहयोग बिहार को मिले, इसके लिए सभी नेताओं से भी मिलूंगा और मार्गदर्शन मिलूंगा कि बिहार के विकास में कैसे आगे बढ़ा दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय को जनता की ये उत्साह जो बिहार से संबंध रखते हैं, बिहारी है, हर बिहारी को जंगल राज से मुक्ति के लिए हृदय से बधाई दे रहे हैं और बिहार से अब जंगल राज भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के संकल्प को साकार करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर हम लोग सफल होंगे, इनके विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करने आए हैं और सभी से मिलेंगे हम। आज बिहार कैबिनेट के बचे कोटे पर दिल्ली में मंथन होना है, लेकिन इससे पहले 28 जनवरी को नीतीश कुमार के साथ जिन 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नए कैबिनेट में भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास गृह विभाग के साथ 5 मंत्रालय रखा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, स्वास्थ्य सहित 9 मंत्रालय दिए गए हैं। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण समेत 9 मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। विजय चौधरी को शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्रालय मिला है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा, प्रेम कुमार को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और सहकारिता विभाग के साथ ही 5 मंत्रालय दिए गए हैं। जेडीयू से मंत्री श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, साथ ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण। वहीं निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। एक तरफ नीतीश कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हो रहा है तो कैबिनेट के बाकी बचे नामों पर आज पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह फाइनल मुहर लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मांझी अपने विधायकों के लिए एक और मंत्रालय का प्रेशर बना रहे हैं। देखना होगा उनका ये प्रेशर क्या रंग लाता है।